इलेक्शन कमेटी जिंदाबाद 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 अमित साहब आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं वी वांट जस्टिस वी वांट जस्टिस वी वांट जस्टिस एलिवेटर्स के साथ इंसाफ करो इंसाफ करो इंसाफ करो एलिवेटर्स के एडहॉक टेम्पररी और डेली वेजर्स के हक में एम्प्लॉज जॉइंट एक्शन कमेटी का ये सिम्बॉलिक प्रोटेस्ट है। यहाँ पर एम्प्लॉज जॉइंट एक्शन कमेटी की सिर्फ लीडरशिप इस प्रोटेस्ट में शामिल है और हमने मुतालबा हमारा यह है कि जो हमारे 61,000 एडहॉक डेली वेजर और टेम्पररी मुलाजमीन हैं उनकी सर्विस को रेगुलराइज किया जाए और हमारा ये भी मुतालबा है कि जब तक सरकार इनके लिए एक कंप्रहेंसिव रेगुलराइजेशन पॉलिसी बनाएगी तब तक इनके हक में मिनिमम वेज एक्ट लागू किया जाए जिसके लिए बाज़ाब्ता सुप्रीम कोर्ट रूलिंग भी है और कई स्टेट्स में इसको लागू भी किया गया है। आपको मालूम है कि पिछले तकरीबन 10 साल से हम रोज़ सड़कों पर आते हैं, बार बार हमें सड़कों पर आना पड़ता है इनके मुतालबात के हवाले से। ये कसम पुरुष की हालत में रह रहे हैं, इनके घरों में चूल्हे नहीं जल रहे हैं और जिस तरह से आपको मालूम है कि PDD के कई मुलाजमीन हलाक हुए इन द लाइन ऑफ ड्यूटी, उनके लिए भी कोई कंपनसेशन नहीं है, कोई SRO नहीं है और जो जितने भी लोग हलाक हुए उनकी फैमिली दाना दाने के लिए तरस रही है। हमारा मुतालबा है कि सरकार जल्द अज जल्द इनकी सर्विस को रेगुलराइज किया जाए, इनके हक में मिनिमम वेज एक्ट को लागू किया जाए और अगर सरकार ने इस बार भी हमारे इस पीसफुल और सिम्बॉलिक प्रोटेस्ट का नोटिस नहीं लिया तो हम मजबूर हो जाएंगे। एम्प्लॉज जॉइंट एक्शन कमेटी के पास और कोई चारा नहीं रहेगा कि जितने भी मुलाजमीन हैं 4.5 लाख मुलाजमीन जम्मू कश्मीर के सारे सड़कों पर निकल आएंगे और हम सरकार को मजबूर करेंगे इन गरीबों के साथ इंसाफ करने की। आपने खुद भी नोटिस किया होगा कि पिछले तकरीबन 10 साल 15 साल से एम्प्लॉज जॉइंट एक्शन कमेटी इनके सपोर्ट में खड़ी है और बार बार हम सड़कों पर आते हैं और इनके हमायत में हमेशा आते हैं। मैं इनको यकीन दिलाना चाहूँगा आपके जरिए कि एम्प्लॉज जॉइंट एक्शन कमेटी किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, इनको ताउन देने के लिए तैयार है ताकि इनका मामला हल हो जाए।